You are the love judger. I am a lucky cause. You are mine. Oh, love judger. You are the love judger. भगवान की पूजा करना, भक्तों को राह दिखाना, अक्सर हमने बाबाओं को यही करते देखा और सुना था. But in 2015, we will see a transformed avatar of a saint, जो बन के आए हैं messenger of God. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम की. Welcome गुरुजी to Bollywood Now. जी बेटा आशीर्वाद. आशीर्वाद. अच्छा गुरुजी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर मैं आपको बुलाऊं क्या? एक सिंगर बुलाओ, हीरो बुलाओ, समाज सुधारक बुलाओ, क्या बुलाऊं आपको? हमें सब लोग एक फकीर, एक गुरु के रूप में ज़्यादा जानते हैं, तो हमें लगता है आप भी वही कह सकते हैं बेटा. अच्छा गुरुजी, फिल्म बनाने के पीछे मतलब आपका आइडिया कहाँ से आया कि फिल्म बनाना है अभी? ये बच्चों के बीच में से आया. पहले हमने यूथ के लिए गाना शुरू किया तो लोग चेंज होने लगे, नशा छोड़ने लगे. लेकिन कुछ यूथ को हमने एक दिन देखा कि मिसिंग थे, वो थे नहीं वहाँ. अगले दिन इवनिंग को जब हमने पूछा तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे, कल शाम को दिखे नहीं. गुरुजी वो तो अरे वो तो क्या, हम फिल्म देखने गए थे. अरे तो फिर डर क्यों रहे हो? मम्मी पापा कहते बड़ी गंदी चीज़ है. तो हमने कहा, एकदम माइंड में आया, अच्छा कुछ भी कर लो, इन्होंने फिल्म तो देखनी देखनी है. तो यानी एक लैंग्वेज है यूथ की, एक इंटरेस्ट है उनको, तो क्यों ना फिल्म में गंदी की जगह कुछ ऐसी अच्छी चीज़ लाई जाए कि माँ बाप के जा बेटा देख के आ, चेंज होके आएगा और देश का भला करेगा. तो आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं इससे पहले? जी नहीं बेटा, सिर्फ एक फिल्म बहुत पहले हमने देखी थी. अच्छा, आप अभी बॉलीवुड में, आपकी पहली फिल्म है, बॉलीवुड में आप आ ही गए हैं, तो आपने फिल्म की शूटिंग से पहले कितनी तैयारियाँ की थी? शूटिंग से पहले हमने जो कहानी थी, डायरेक्टर साहब को बुलाया, उनको कहानी दिखाई थी कि ये हमारी रियल स्टोरी है. तो वहाँ बैठ के हमने उस कहानी पे और थोड़ा सा किया. उन्होंने कहा गुरुजी कुछ डायलॉग इस तरह से, डायलॉग भी अलग से होने चाहिए क्योंकि वो स्टोरी थी. तो फिर डायलॉग बनाए, फिर कि VFX के ये सीन होंगे, आउटडोर इनडोर वो चीज़ें निकाली हमने बैठ के. तो बस उसके बाद शुरू हो गए और होता चला गया सब कुछ. तो कभी मतलब कैमरा को जब फर्स्ट टाइम फेस किया तो वो नर्वसनेस या एक फीलिंग होती है कि अरे पहली बार कैमरा फेस करे, वो कभी हुआ नहीं गुरुजी को? कभी नहीं. इससे पहले भी हमारी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, ऑस्ट्रेलिया से कोई टीम आई थी, तब भी हमें नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमें लगता है कि नॉर्मल सी चीज़ है. वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, कि नेचुरली हमने अपना करते जाना है, कैमरा अपना करता जाएगा. बट गुरुजी मानना पड़ेगा फिल्म में स्टंट्स और गाने और डांसिंग देख के मतलब कमाल का है सब कुछ. आपकी कंपैरिजन इनफैक्ट सलमान खान से की जा रही है कि जिस तरीके का स्टंट्स आपने किया है. तो कभी आपको किसी ने आके कहा है कि गुरुजी आप तो एकदम सलमान खान जैसे लग रहे हैं? जी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं. सलमान खान कहते हैं, रजनीकांत शायद, सनी देओल, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं. हालांकि हम सबका सत्कार करते हैं. कोई कलाकार है, वो कला कर रहा है, तो एक कला मालिक का हुनर है, मालिक का दिया हुआ. लेकिन हमने किसी को ऐसा सोच के कुछ नहीं किया कि हम उस जैसा करना है, कभी भी नहीं. अच्छा, अब जब सुपरस्टार सलमान खान की बात आ ही गई है तो आपको मतलब आप भी बॉलीवुड में आ गए तो इतना तो आइडिया होगा कि अक्सर बहुत सारी सुपरस्टार्स की फिल्में 100 करोड़ की बजट कर जाती है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं MSG से? MSG हमारी तो यही उम्मीद है कि वो जन जन तक पहुँचे, और जो कंपनी का है तो उनकी तो उम्मीदें ये सब रही होंगी. अच्छा गुरुजी, ये बताइए बचपन से ही आप शौक मतलब ऐसे गाना इन सब के शौकीन थे बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही हम 32 नेशनल गेम खेला करते थे. जब थोड़े से बड़े हुए सारे गेम खेलते थे, जो चीज़ हम देख लेते थे, करने की ठान लेते, करके छोड़ते थे. कि देखते थे कि हाँ, एक बाजी अगर वहाँ आते थे गांव में कि वो बाजियाँ लगाते थे, ट्रैक्टर उसने पाँव के ऊपर से गुजारा, नहीं ये क्या बड़ी चीज़ है. हम घर में आए, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था ऐसे ढाल में, हमने गियर निकाला और ड्राइवर को बोला क्लच दबाना, और क्लच दबाया तो ट्रैक्टर पैर के ऊपर से चला गया. तो कुछ नहीं हुआ, हमने कहा ये कोई भी चीज़ नहीं, अगर वो निकाल सकते तो हम क्यों नहीं. तो ऐसा एक होता था अंदर, तो उससे हम अपने आप ही सीखते चले गए ईश्वर जाने कैसे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति बचपन से ही करते थे हम. गुरुजी के चरणों में आ गए थे जब हम 5 साल के थे, शास्त्राम जी महाराज जो हमारे गुरु रहे, तो उन्होंने हमें भक्ति करने का तरीका जब बताया तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे कभी हमारी ज़िंदगी में याद नहीं ये आया कि ये काम अच्छा, जितने भी अच्छे काम हमें नहीं कर सकते, होता था कि कर देंगे क्या बात. तो आपने कभी किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है? किसी चीज़ की नहीं, ड्राइविंग तक की हमने कोई ट्रेनिंग नहीं. ड्राइविंग कर लेते हैं, जेटर है, स्पीड बोट है, ट्रक है, बस है, यहाँ तक कि हमने घुड़सवारी करने लगे. तो जैकी यहाँ मुंबई के थे, हाँ. वो गए हुए थे वहाँ, तो जैसे ही वो फर्स्ट टाइम वो घोड़ा लेके गए थे, कोई जानकार थे, गुरु जी आप एक बार इस पर सवार हो जाएं, तो हम सवार हुए और हमने सरपट दौड़ाया उसको, तो वो कहने लगा ये जैकी है. कहते नहीं जैकी नहीं, तो हो ही नहीं सकता, जब कोई अनजान आदमी ऐसे थोड़े ना घोड़ा दौड़ा लेता है. तो हमने कहा भाई हमने तो पता नहीं, हम झुक गए और उसको खींचा और वो दौड़ रहा है, और हम झुक गए कि हवा कम से कम काटनी पड़े घोड़े को. तो ये चीज़ें अपने आप ही होती चली जाती. तो क्या इसे हम चमत्कार समझें?
हमें ये लगता है कि हम तो इंसान है बेटा, लेकिन जो कहते कि भगवान की पावर नहीं होती तो वो हमारे रूप में देखते थे कि हमने कुछ भी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके ही हम कर रहे हैं। तो हर इंसान ऐसा कर सकता है, हम ही कोई अलग नहीं, क्योंकि हम भक्ति करते अगर आप करेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ सकता है, जिससे आप अच्छे कामों में तरक्की कर सकते हैं। अच्छा गुरु जी, अब गाड़ियों की बात हो ही गई है तो एक और छुपा टैलेंट हमने सुना है कि आप ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करते हैं, यहाँ तक कि आप खुद के कपड़े भी डिज़ाइन करते हैं, फिल्म में भी आपने सब खुद डिज़ाइन किया है, तो ये आइडिया कहाँ से आता है? एक बार एक गाड़ी बिल्कुल एक्सीडेंटल थी और नौजवान कहने लगे गुरु जी ये तो गाड़ी बेकार है। हमने कहा बेकार कुछ भी नहीं होता, अभी सब कुछ है इसमें। तो हमने डिज़ाइन बनाया थर्मोकोल पे और मिस्त्रियों को साथ लिया कि आपने ऐसे 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 करना है, तो हमने ऐसे शुरुआत की और 70 गाड़ियां मॉडिफाई की। तो जो आज नौजवानों का जुनून है, उसे जो देखता है तो बस यहाँ के मुंबई के क्रू मेंबर गए ट्रैक्टर के, गुरुजी ये तो मैं चुपके से गाड़ी बस में ले जाता हूँ उठा के। मतलब आप तो सच में रॉकस्टार है, मतलब बस वो ईश्वर की कृपा है बेटा। वेल दिस वाज संत राम रहीम, इन्होंने अपनी पहली फिल्म आने से पहले ही अपने फैंस के साथ लव कनेक्शन तो बना लिया है। अब आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ये बताइए कि क्या आप एक्साइटेड हैं मिस जी देखने के लिए। विद कैमरामैन परेश रावत, दिस इज प्रेरणा फॉर बॉलीवुड नाउ।